और अब पंडित जी के घर से हम निकल गए हैं और सीधा गुड़गांव की तरफ लंबी ड्राइव होने वाली है, क्योंकि ये जो घर है ये ऋषिकेश के आसपास है। तो ऋषिकेश से दिल्ली लगा लो आप, दिल्ली गुड़गांव, तो आप गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं। और ये हम पहुंच गए हैं राजा जी नेशनल पार्क। देखते हैं अभी यहाँ पर हाथी है कि नहीं। नॉर्मली यहाँ पहले हाथी हुआ करते थे, अब शायद उन्होंने सारे हाथी अंदर रखने चालू कर दिए हैं। पहले भारी पाग होते थे वो अपना वही बंधे रहते थे। तो लेफ्ट में सारा का सारा जो है और राइट में भी सारा राजा जी नेशनल पार्क है, हाथियों के लिए जो फेमस है इंडिया में। आए सवारी करें, सफारी करें, लेकिन हाथियों की सवारी करते हुए सफारी ना करें, वो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता है, वो नहीं करना चाहिए इन माय ओपिनियन। ये रास्ता जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है राजा जी नेशनल पार्क वाला। ये आपको जो है अंदर ही अंदर सीधा हरिद्वार के जो बाहर वाला रोड से कनेक्ट कर देगा दिल्ली के लिए। बहुत ही सरीन है, बहुत ही ग्रीन, दोनों तरफ जंगल। और एक बार जब हम यहाँ से जा रहे थे तब मुझे यहाँ पर एक तेंदुआ भी स्पॉट हुआ था। अच्छा, मेरे राइट साइड में जो है एक बहुत बड़ा बाबा जी का आश्रम है, जिनकी वजह से हम पंडित जी से मिले थे, जिनके हम घर से अभी आ रहे हैं। और ये गौरी घाट के बाबा जी के नाम से फेमस है। कभी मौका लगे तो यहाँ पर आएँ, काफ़ी अच्छा है और सिद्ध माना जाता है। बाकी आप अपना खुद एक्सपीरियंस करें। ये अब गेट्स वगैरह बन गए, यहाँ से एंट्रेंस है, पहले ऐसा नहीं था। और ये जो आप गेट देख रहे हैं लेफ्ट में, ये चंडी देवी जो है उनके लिए रास्ता जाता है, जो ट्रॉली से हम ऊपर जाते हैं, वो यहाँ से ऊपर हरिद्वार में इधर को लेफ्ट में। और ये है गंगा मैया की फ़ोटो, वो वीडियो बना रहे हैं। और यहाँ पर क्या होता है, लेफ्ट और राइट दोनों से गंगा मैया आके जो है इसमें मिलती है। तो जो गौरी घाट से हमने जो देखा था ना, जो नहर थी उसका पानी भी यहीं पर ही छोड़ा जाता है। तो आधा पानी इस तरफ को छोड़ते हैं और आधा लेफ्ट में एक और पुल है वहाँ से निकलता है। तीन घंटे की ड्राइव के बाद अब मैं दिल्ली पहुँच गया हूँ। और दिल्ली मेरठ का जो एक्सप्रेस वे है भाई साहब, 60 किलोमीटर का अमेजिंग एक्सप्रेस वे। मेरठ से पहले आप चढ़ते हो और सीधा दिल्ली प्रगति मैदान में आपको उतारता है, बहुत ही अमेजिंग है। और अब ट्रैफिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, देखते हैं यहाँ से कितना टाइम लगता है। और ये है गुड़गांव के सारे एयरपोर्ट के पास जितने भी होटल हैं लेफ्ट साइड में। यहाँ पर आके ऐसा लगता है कि जैसे आप हांगकांग या थाईलैंड या चाइना में हो, इस तरीके से इन्होंने भी अपनी डिजिटल होर्डिंग्स लगा दी हैं। सो फाइनली मैं घर पे पहुँच गया हूँ। और टोटल जो ड्राइव थी वो 6 घंटे की थी और 5.5 घंटे भी हो सकता था, बट रास्ते में जाम था, शादियों का सीज़न है उसकी वजह से, और बहुत थक गया हूँ। शावर लिया आते ही और एक हर्बल टी पी, और अब मैं सोने वाला हूँ। और कल सुबह मुझे 5 बजे उठना है और मेरी जो है फ्लाइट है बैंगलोर की, तो कल मैं बैंगलोर कवर करूँगा। सो स्टे ट्यून फॉर बैंगलोर। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। होप आपको वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे। एंड डू लाइक द वीडियोस देन एंड शेयर द वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़। सी यू सून, बाय बाय।